त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं ओवारुकुमि बंधनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यदि उसे समय से तराशा जाए या फिर पहचाना जाए तो वह अवश्य ही निखर कर सामने आती है। करनाल के गूगल बॉय कौटिल्य, जिसने विश्व भर में करनाल जिले का नाम रोशन किया है, उसके बाद समाचार एक्सप्रेस की टीम ने एक ऐसे बच्चे से साक्षात्कार किया जो कि महज 6 वर्ष का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 6 वर्ष के हृदय शर्मा को रामायण की चौपाइयां, महामृत्युंजय का मंत्र, कई भजन व विश्व के 26 देशों के नाम ऐसे रटे हैं जैसे कंप्यूटर में फीड हों। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल में गेम व अन्य गतिविधियों में जुटे हुए हैं, लेकिन हृदय शर्मा यह सब तो करते ही हैं। साथ ही साथ टीवी में आने वाली रामायण को देखकर उन चौपाइयों को भी याद करते हैं जो रामायण में गाई जाती हैं। इन सब का श्रेय वह अपनी माता बरखा शर्मा को देते हैं। बातचीत के दौरान हृदय ने बताया कि उसके कई शौक हैं, लेकिन भजन गाना तथा चौपाइया गाना उसे अधिक बेहतर लगता है। इन सब के पीछे उनकी माता बरखा शर्मा का हाथ है। बरखा शर्मा ने बातचीत में बताया कि कोरोना के चलते जब लॉकडाउन हुआ था तब उन्हें लगने लगा था कि अब बच्चों के अनुरूप गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चल सकेंगी, उनका बेटा पीछे न रह जाए, इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। उनके बेटे को आज रामायण की चौपाइयों से लेकर ऐसी कई बातें याद हैं और वह उन्हें बिना देखे बोल सकते हैं, जिसे कहने में बड़े बड़े भी हाँफ जाते हैं। यदि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि करनाल का यह हृदय शर्मा निकट भविष्य में गूगल बॉय हो सकता है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 जाट भवन के बिल्कुल सामने एक मकान में। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान स्कूल फिलहाल बंद, अभी तक बंद हैं। लोग बच्चे कई तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ भी चल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक आज आपको 6 वर्षीय एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहूँगा जो कि एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। विलक्षण प्रतिभा वैसे तो यह भी कहा जा सकता है कि गॉड गिफ्ट है, लेकिन गॉड गिफ्ट के साथ साथ परिवार के पारिवारिक जो माहौल होता है और परिवार से जो संस्कार मिलते हैं उनका बड़ा सहयोग रहता है बच्चे को आगे बनाने में। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मात्र 6 साल का हृदय शर्मा जो करनाल के एक निजी स्कूल में पढ़ता है। सबसे पहले आप बताओ आपका नाम क्या है? हृदय शर्मा। आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? ये लोग स्कूल नहीं जा रहे, क्या क्या आप घर पे क्या करते हो? मैं घर में मैं खेलता हूँ, काम करता हूँ, बहुत मजे करता हूँ। सर, ये बच्चा मैं आपको बता दूं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं इनको बता दूं। इन्होंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया। इनके बारे में आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान जहाँ बच्चे मोबाइल के अंदर गेम्स में रहते थे, गेम्स के अंदर बिजी रहते थे, टीवी के अंदर बिजी रहते थे, खेल के अंदर बिजी रहते थे, लेकिन यह बच्चा टीवी देखते देखते ऐसी चीज़ें सीख गया जो अब इसको, मतलब अगर हम इसके बारे में यह कहेंगे दोबारा से कि विलक्षण प्रतिभा का धनी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि इसको महामृत्युंजय का मंत्र जो है वो याद है, रामायण की चुपाइयाँ इसने कैसे सीखी मैं आपको वो ये भी हृदय के मुँह से ही सुनेंगे। इसके अलावा इसे भजन आते हैं वो इसने कैसे सीखे ये और भजन कैसे ये गाता है ये सब सुनाएगा। और मेरे से बात करने के लिए मौजूद इनके माता जी भी, उनसे भी बाद में बात करने का प्रयास करेंगे। मैं सब बेटे आप YouTube पे क्या करते हो? मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी सारी। कितनी वीडियोज़ आपने बनाई है? मैंने बनाई है 44 वीडियोस। इसके लिए आपको मम्मा ने बोला है वीडियोस बनाने के लिए? हाँ जी। अच्छा, मम्मा अच्छा YouTube पे वीडियोस डालने का क्या आपका पर्पस क्या है, क्यों डाल रहे हो आप? मम्मा ने ना पहले एक लड़की को देखा था तो वो वीडियो बनाई थी। मम्मा कह रही थी आप भी वीडियो बनाओ। मम्मा मेरी वीडियो बनाती है रोज और उसको बनाती है और फिर अपलोड कर देती है और रख देती है YouTube पे। तो वही वीडियोस बनवाना आपको अच्छा लगता है? हाँ जी जो लगता है। अच्छा, आज कितने लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं? आपके फॉलोवर्स कितने हैं? मेरे फॉलोवर्स
मैं फॉलोवर्स एक भी नहीं है। सब्सक्राइबर तो थोड़े थोड़े हैं ज़्यादा। देखिए इस बच्चे की अभी तक 44 यूट्यूब पे वीडियोस जा चुकी हैं जिसके सब्सक्राइबर भी हैं। और मैं आपको बता दूं, अब मैं इनसे बात करता हूँ। बेटा आपको महामृत्युंजय का मंत्र याद है? सुनाओगे हमें? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम ओवारुकुमि बंधनान मित्रमुक्षीमामृतात्। देखिए आपने सुन लिया होगा बच्चे के मुंह से महामृत्युंजय का मंत्र। इस मंत्र को बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वक्ता या बड़े बड़े जोशी भी बोलने में कई बार झिझकते हैं, लेकिन इसने बिना झिझक के। बेटे ये आपको मंत्र किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया था। मम्मा ने और क्या क्या सिखाया आपको? एक वो राम सिया राम और ओम भूर्भुवस्वः और वो भी क्या था मंगल भवन और गुरु ब्रह्मा। अच्छा इसमें से अब आपको सबसे अच्छा क्या लगता सुनाने में? गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव परेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए जिस इस बच्चे ने जो भी सुनाया, आपको बता दूं मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे वो नहीं आता, लेकिन इस बच्चे के टिप्स पर ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बेटे आपने रामायण की चुपाइयाँ याद की थी? हाँ जी। कितनी चुपाइयाँ आपको याद करोगी? कैसे आपको मन लगा था कि मुझे वो चुपाइयाँ सीखनी है? मतलब मैंने देख के याद कर ली थी। हर रोज हम राम सिया नाम देखते थे तो लास्ट में जब खत्म होता था राम का सीरियल, उसके बाद जो लास्ट में से गाना आता था उसको मैं याद कर लेता अपने आप। आपको याद है? यस मुझे याद है। कितनी याद है? एक ही है। चलो आप वो सुना दो। हाँ जी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। आप देख सकते हैं कि किस तरह जब दूसरे बच्चे गेमों में व्यस्त रहते हैं, इन्होंने इसने लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर टीवी के अंदर रामायण का सीरियल देखा। उस सीरियल के अंत में जो भी छुपाई थी वो उसने देख के ही याद की इसको किसने। बेटे इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा आपको क्या क्या अच्छा लगता है? गेम्स खेलना, चॉकलेट खाना और ऐसी टीम में कुछ देखना। अच्छा और आप क्या पसंद करते हैं? आपको खेलना क्या क्या पसंद है? गेम्स कौन से अच्छी लगती है आपको? जैसे कार से खेलना, अब ऐसे फुटबॉल, क्रिकेट और तो मैं खेलता नहीं, लूडो भी खेलता हूँ। देखो आपको इतने सारे मंत्र याद हैं, आपको इतनी सारी चुपाइयाँ याद हैं, आपको महामृत्युंजय का मंत्र याद है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? क्या बनोगे बड़े होकर? जो स्पेस में जाते हैं? एस्ट्रोनॉट बनना चाहोगे? सर मैं आपको बता दूं, खरीदे का लक्ष्य एस्ट्रोनॉट बनने का है और हम परमात्मा से यही अपील करेंगे, उनके सामने हम हाथ जोड़कर नमन निवेदन भी ये करेंगे कि भगवान इस बच्चे को जो भी लक्षण प्रतिभा दी है वह उस पर खरा उतरे। वो हमारे करनाल, इससे पहले हमारे करनाल का एक बेटा जिसको कुटिल्य कहा जाता है, वह देश भर में, विश्व भर में भारत का नाम, हमारे हरियाणा का नाम, हमारे करनाल का नाम रोशन कर चुका है। हम चाहेंगे कि यह भी उसी राह पर चले और कोटिल्ले की तरह ही हमारे साथ हमारे करनाल का नाम विश्व भर में रोशन करे। मैं कृदे को एक बार फिर से थैंक्स बोलता हूँ। अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृदे की मदर जिनका नाम है बरखा। बरखा मैम आप देखिए किसी बच्चे को सिखाने में पेरेंट्स और घर के संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यूट्यूब पे आप इसकी वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, इसके पीछे आपका पर्पस क्या था और आपने कैसे सीखा था ये? मतलब आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली थी कि हाँ भी मुझे भी अपने बेटे को आगे बढ़ाना है? देखिए यूट्यूब पे डालने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। प्लस दूसरा क्या था कि जैसे लॉकडाउन हो गया तो कोई भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी बच्चों के लिए, स्टडीज़ हो रही है ऑनलाइन से हो रही है और वो किस लेवल से हो रही है उस चीज़ से तो हम सब अवेयर हैं। तो मैं चाहती थी कि कुछ बच्चा घर में बैठ के डंप ना हो, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि हम भी इतना फ्रिक्वेंटली कोई हम भगवान की चीज़ें बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से इसको मैंने ये सिखाया कि चलो अगर हम ये टाइम हमें दिया है भगवान ने तो आप उसको यूटिलाइज़ करो।
अब इसको इन सब चीज़ों के अलावा इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी सब पता है, जो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थे और मैंने जब इसको सिखाए तो मुझे पता लगे। और दूसरा इसको A to Z कंट्रीज नेम पता है, तो जो नॉर्मली आप किसी भी रैंडमली किसी भी आप किसी पर्सन से पूछोगे तो वो उसको भी नहीं पता होगा। तो मतलब 6 साल के बच्चे के लिए 26 कंट्रीज नेम लर्न करना, इट्स वेरी गुड। तो मुझे यहीं से मोटिवेशन मिला कि आप ये मत सोचो कि आप YouTube पे डाल रहे हो तो आप कुछ आपको इनकम होगा या व्हाटएवर कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि आप अपने बच्चे में कितनी सारी चीज़ें उसमें डेवलप कर रहे हो, वो आपका बच्चे पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना कैलिबर है, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग अगर आप उसे सिखाते हो तो वो बहुत ग्रोथ करेगा। कौन से स्टैंडर्ड में? राइट नाउ ही इज इन Grade 1। मगर ने हमें बताया कि क्रिद ने तो हमें सुनाया, इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड याद हैं, 26 देशों के नाम याद है, जो आम आदमी के लिए याद करना भी इम्पॉसिबल सी बात है। और सबसे बड़ी बात इनका यूट्यूब पे डालने का मकसद ये था कि बच्चा घर में बैठा बैठा डंप ना हो जाए। मैं आपको बता दूँ कि अगर बगर जिस तरह से इन्होंने बरखा जी ने अपने बेटे के लिए कि अगर बाकी माताएँ भी कर दें तो बच्चों में एक अगर बच्चे घर बैठे बैठे डंप हो जाए तो उनके अंदर एक अवसाद आ जाता है जिसे एक मानसिक बीमारी पनप सकती है बच्चों के दिमाग में। बच्चे एक्टिव रहें, घर बैठे बैठे बोर ना हो, इसलिए इन्होंने यूट्यूब को चुना। इनका पर्पस ये नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से या कुछ कमाना चाहते, इनका पर्पस ये है कि इनका बेटा आगे बढ़े। मैडम अब आप इसके लिए और क्या करना चाहेंगे? देखिए अभी तो फ़िलहाल मेरा फोकस इसकी स्टडी पर है कि इसका स्टडी बेस जो है बहुत अच्छा हो। जहाँ तक रही बात यूट्यूब की, दैट इज़ नॉट एक बिजनेस भी नहीं है और इस टाइप का कुछ भी नहीं है। बस ये है कि कुछ नया कंटेंट जैसे आता है तो इस बच्चे को सीखने को मिलता है। जैसे अभी इसने दशहरे की वीडियो बनाई थी तो उसमें इसने बोला कि जो दिवाली से ठीक 20 दिन पहले दशहरा मनाया जाता है, तो आप किसी भी नॉर्मल बच्चे से पूछोगे वो उसको नहीं पता होगा। इसको पता है, वो इसको क्यों पता चला? जब इसने वीडियो बनाई, इसने उस चीज़ को स्टडी किया, उस चीज़ को रीड किया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को भी आ सकती हैं अगर आप उस पर फोकस करोगे तो। जब भी आपको YouTube बनाते हैं कुछ भी इसके लिए बनाते हैं तो उससे पहले आप इसको एक होमवर्क देते होंगे, जो ये रीड करता होगा, जो ये स्टडी करता होगा ना, उसके लिए आपको भी टाइम स्पेंड करना पड़ता होगा। तो अगर हम ये बात करें कि एक वीडियो बनाने में आपको कितनी देर लग जाती है और इसको मतलब इसको सिखाने में या इसको रीड करने में, पहले आपने होमवर्क किया, उसके बाद आपने इसके लिए दिया, उसके बाद फिर आपने वीडियो बनाई, फिर आपने अपलोड की, ये सारे उसमें कितना टाइम लग जाता है? सर देखिए कि जब मैंने इसका स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल और मुझे था कि मैं इसकी वीडियोज़ बनाती हूँ, तब ये अप्रोक्स 3 to 4 days ये लेता था लर्न करने के लिए, क्योंकि तब उस टाइम इतना नहीं इसमें कैलिबर था। फ्रीक्वेंटली बाय रेगुलर जब हम हो गए तो अब इसको 1.5 days लगता है रेडी करने में। इजीली ही कैन लर्न, तो लर्न कर लेता है। बाकी सब एडिटिंग वगैरह करने में 2 days, तो 3-4 days में मैं इसकी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। इनका कहना है कि जो भी वीडियो विजय शर्मा बनाता है अपने यूट्यूब पर डालता है, उससे पहले इसकी मदर होमवर्क करती हैं, वो सब्जेक्ट तैयार करती हैं, सब्जेक्ट तैयार करने के बाद वो मटेरियल कृदे को तैयार करती, कृदे को देती हैं रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। कृदे उसको रीड करता है। शुरू शुरू में जब उसको टाइम लगता था, उसको 3 से 4 दिन लगते थे रीड करने में, लेकिन अब वो 1 से 1.5 दिन में सब्जेक्ट को रीड कर लेता। और मैं आपको बताऊं कि ये गंभीर मुद्दों पर बात करता है, जो हमारे यहाँ पर ओकेजन्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उनके आने से पहले ही उनकी जानकारी यूट्यूब पर डाल देता है, जो इसको इनकी माता के द्वारा दी जाती है। मैं तरुण मदान सन्नी चौधरी के साथ सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा बरखा मैम का और कृदे शर्मा का, जिन्होंने हमारे से विशेष बातचीत की। थैंक्स अ लॉट मैम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.